हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? और मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप देख के कुछ समझ ही गए होंगे। वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूँ, आज मैं आपके साथ ऐसे टिप शेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत काम आएंगे। और ये हमारे घर में आम बात है। आज मैं आपको पॉलिश बताऊँगी वुडन की। ये हमारे रामबान हैं और इन्हीं के थ्रू मैं आज आपके घरों को चमकाने की कोशिश करूँगी। आप इस तरह से कोकोनट ऑयल ले लें एक बॉल में, और नारियल का तेल बॉल में लेने के बाद में आप इसमें दूसरा हमारा जो सॉल्यूशन है उसको ऐड करेंगे, जो हर चीज़ों में काम आता है, विनेगर। ये खाने में, पकाने में, साफ़ करने में, सब चीज़ों में काम आता है। आप जैसे आपकी चीज़ों को सफाई करनी होगी उस हिसाब से आप क्वांटिटी से दोनों चीज़ इक्वल इक्वल करके लेके इसे मिक्स कर देंगे। लीजिए, हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल तैयार है और हम इससे आपको मैजिक करके दिखाएंगे। इसके लिए आपको कॉटन की ज़रूरत होगी, क्योंकि कॉटन से आप घर को चीज़ों को आसानी से साफ़ कर लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह से कॉटन नहीं है तो आप कॉटन दुपट्टे के टुकड़े भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरा वुडन है। वुडन अक्सर में क्या होता है, रखे रखे ये गंदगी से इसमें जम जाते हैं। वुडन चीज़ों में डस्ट जल्दी एब्जॉर्ब होता है और ये चीज़ें गंदी लगने के बाद बहुत गंदी लगती है। ये मेरा टी कैस्टर है जो हमेशा मेरे डाइनिंग टेबल पर रखा रहता है, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा ही डस्ट एब्जॉर्ब हो सकता है। आपको धीरे धीरे इस तरह से कॉटन को भिगा भिगा कर वुडन चीज़ों को धीरे धीरे साफ़ करना है। देखिए मैं इसे कैस्टर को कैसे क्लीन कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं इसकी शाइनिंग आपको खुद ब खुद दिख रही है। ऐसा नहीं है कि ये गीले में ऐसी शाइनिंग दिख रही है, ड्राई होने के बाद भी इसकी शाइनिंग इसी तरह रहेगी। एक एक करके आप इस तरह से अपने सारे कैस्टर की सफाई कर लें। अगर ग्लास में गंदगी है तो उसको भी आप क्लीन कर सकते हैं। मेरे बीच में वो ग्लास है। कैस्टर की जगह पर अदर भी आपके पास जो जो छोटी छोटी स्पून वगैरह होती है वुडन, उसको आप इस तरह से आसानी से क्लीन कर सकते हैं। इसकी शाइनिंग बरकरार रहेगी और देख के कोई नहीं कहेगा कि पुराना है, ये बिल्कुल नए की तरह हो जाएगा। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए आप इस तरह से मैंने इस कॉटन से साफ़ किया था, ये कॉटन कितना गंदा है, बट आपका सॉल्यूशन बिल्कुल गंदा नहीं है, ये बिल्कुल वाइट का वाइट है और बिल्कुल साफ़ है। अब बारी आती है हमारे सोफ़ा की। सोफ़ा के बाकी पार्ट्स तो हमारे आजकल रेक्सिन या लेदर के होते हैं, बट जो हमारा हैंडल होता है उसमें वुडन होती है। हम कभी वुडन को पानी से नहीं साफ़ करते, या तो आप उसको ड्राई क्लोथ से कीजिए या फिर आप इस तरह से सॉल्यूशन बनाकर कीजिए। पानी से इसे साफ़ करने से हमारी पेंटिंग जो होती है वुडन की, वो बिल्कुल ख़राब होती है। आप देख सकते हैं अभी मेरा सॉल्यूशन सही से सूखा भी नहीं है और हमारे सोफ़े की हैंडल कितनी ज़्यादा शाइन कर रही है, ये बिल्कुल नए की तरह लग रही है। इस तरह हम अपने सारे सोफ़े की सफाई कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये हैंडल मेरा बिल्कुल गंदा है, और साफ़ होने के बाद, इनकी सफाई के बाद ही इनकी शाइनिंग फिर से नए की तरह हो गई है। आप इस तरह से सारे एक एक करके सारे सोफ़े की सफाई कर लेंगे। आप जब भी ये टिप्स को फॉलो करेंगे मुझे कहेंगे वाह क्या मैजिक है। ये देखिए मेरा ड्रेसिंग टेबल है, वुडन ड्रेसिंग टेबल। ये रोज़ बहुत गंदा होता है, हमारे रूम में बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। हो सकता है आपके घर भी रोड साइड होंगे तो उसमें भी डस्ट आते होंगे। ये ब्लैक वुडन होने की वजह से इसमें ज़्यादा ही डस्ट एब्जॉर्ब होता है, तो इसलिए इसमें सफाई करने में थोड़ा वक्त लगेगा। एक बार में शाइनिंग नहीं आएगी, फिर भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसमें दिख जाएगा। देखिए मैंने इस तरह से कॉटन में इस तरह से इसको साफ़ किया है। एक छोटा सा सॉल्यूशन जो आप 1 स्पून के एवा होता है, वो आपके पूरे घरों को अच्छे से क्लीन और चमका देता है। मैंने इस तरह से अपने ड्रेसिंग टेबल को धीरे धीरे रब किया, आप देख सकते हैं काफ़ी दाग इसमें से हट चुके हैं। और मैं आपको पूरा क्लीन के बाद दिखाऊंगी कि इसकी शाइनिंग काफ़ी अच्छी हो गई है 1 टाइम में ही। ये कलर और बहुत ज़्यादा डस्ट एब्जॉर्ब करता है। मैं आपको कभी दिखाऊंगी कि इसमें कितने डस्ट लगे होते हैं, और मैं पूरे क्लीनिंग के बाद भी आपको इसको दिखाऊंगी कि ये कितने क्लीन हो चुके हैं। आप देखिए पहले से और अब में कितना फ़र्क आपको फर्स्ट टाइम में ही दिख रहा है, सेकंड टाइम में आपकी क्लीनिंग और अच्छी हो जाएगी। आप इस तरह से जब भी आपको वक्त मिले अपने कामों में से वक्त निकाल के इसकी सफ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। या आपके घर में जितने भी वुडन चीज़ें होंगी, आजकल ज़्यादा मार्केट में वुडन चीज़ें और ट्रेडिशनल हो गई हैं और सबके घरों में कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, तो आप इस तरह से उसको क्लीन कर सकते हैं। आप कॉटन से ही करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आप देख सकते हैं रिज़ल्ट आपके सामने है। मैंने जो भी सोफ़े पे सॉल्यूशन लगाए थे वो सॉल्यूशन ड्राई हो चुके हैं और वो एक पॉलिश की तरह हमारे सोफ़े में काम कर रहा है। ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है। आप ज़रूर इस घर इसमें ट्राई करेंगे घर में।